स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्या, क्लॉक। क्लॉक को बहुत अच्छे से सीखेंगे, नॉट ओनली फिफ्थ क्लास, ये बहुत ही बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आता है क्वेश्चन। कैसे आता है क्वेश्चन कि 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करो, या फिर आ जाएगा 24 आवर में क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करो। सबसे पहले देखो, मैंने दो वॉच बनाई है, ये है हमारी वॉच 12 आवर क्लॉक टाइम की और ये है हमारी वॉच 24 की। क्या बेसिक डिफरेंस है? डिफरेंस की बात करें तो देखो, नॉर्मल आप वॉच जो देखते होंगे घर पे, ठीक है, वैसी वाली वॉच है, 12 के बाद 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। इस वाली वॉच में आपने ट्रेनों में देखा होगा, ट्रेन में, कि वहां पर क्या रहता है कि जब एक बजती है तो वहां पर 13 लिखा हुआ आता है, ठीक है, और दो बजती है जब कितना लिखा हुआ आता है, 14, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 12 आवर क्लॉक टाइम में हम टाइम को चेंज कैसे करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10:15 आवर। हमें क्या करना है, इसे 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना है। तो देखो 10:15 आवर लिखा हुआ है, तो हम इसे जब देखो ये कितनी बज रही है, 10, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10:15 AM। आई चीज समझ में, 9:15, तो 9:15 आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, 9:15 AM। आवर से किस में कन्वर्ट हो गया, AM में। 22, अब तो यार 22 तो यहाँ पर है ही नहीं और हमें कन्वर्ट करना है 12 आवर में। तो देखो आप क्या करो, 12 आवर में बोल रहा है तो 22 में से 12 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10:45 PM, है ना। 12 के बाद जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। उसके बाद 23 है, ये भी ज्यादा हो गया, तो इसमें से भी 12 माइनस कर दो, तो 23 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11:30 PM, ठीक है। ये अभी हमने क्या सीखा, 12 आवर क्लॉक टाइम। अच्छे से आया समझ में क्या करा, एक बार और इसको सम अप करें तो देखो क्या करा कि आवर में था तो आवर में तो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ AM लग जाता है, ठीक है। लेकिन जब 22 आ गया, मतलब 12 से ज्यादा आ गया, है ना, तो 22 में देखो क्या लिखा हुआ था, 10। अगर ये नहीं भी आपको याद रहे तो आप 22 में से 12 को माइनस कर देना तो 10 आ जाएगा। 23 है, ये भी ज्यादा आ गया तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम। ये था 12 आवर क्लॉक टाइम, ये था 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्लॉक टाइम में देखो 7:30 PM दिखा हुआ है। अरे यार 7:30 PM को आप कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो 24 आवर की बात कर रहा है, तो देखो एक बार तो यहाँ से अगर हम चले 7 तक तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब एक और राउंड जाना है, तभी तो 12 और 12 24 होंगे, है ना। तो देखो 7 में कितने ऐड कर दो, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19:30 आवर। आई चीज समझ में कैसे आई है, तो ये हो जाएगा 19:30 आवर। अब देखो 7:45 AM, 7:45 AM तो वैसे तो यहाँ पर आ रहा है, पर 24 आवर की बात थी तो 24 आवर में क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, पर बिल्कुल नहीं, जब भी AM में रहता है तो हम ऐड नहीं करते, AM में रहता है तो हम इससे वैसा लिख देते हैं 0745 आवर्स, नो चेंज, ओके। AM में चेंजेस नहीं होता, सिर्फ किस में चेंजेस होता है, PM में। ये PM आ गया, अब इसमें वापस से क्या ऐड कर दो, 12 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 23:15 आवर। ये वापस से AM है, मैंने अभी आपको बोला AM में कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो AM आ जाएगा 10:50 आवर, ठीक है। तो होपफुली आपको 12 आवर क्लॉक टाइम और 24 आवर क्लॉक टाइम समझ में आ गया होगा। एक और बार इसको अच्छे से समझो, क्योंकि ये बहुत ही इजी और कंफ्यूजन भी है। देखो AM में क्या होता है, AM में कोई चेंजेस नहीं होता, AM में जैसा रहता है वैसे ही रहता है। PM में जब 24 की बात करेंगे, मतलब एक बार घड़ी यहाँ से यहाँ तक आई, 24 आवर क्लॉक टाइम एक बार हुआ, एक बार वापस से होगा तभी ना होगा 24, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23। AM में मैंने आपको बोला नहीं होता, लेकिन अगर हम 12 आवर की बात करें तो 12 आवर में मैंने आपको भी बताया कि अगर 12 से कम रहेगा तो आप डायरेक्ट AM चेंज कर देना, और अगर 12 से ज्यादा हो गया, जैसे ये 22 हो गया था, तो इसमें से क्या माइनस किया, फिर 12, ठीक है।